एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। आज शुरुआत कातिल लेंटर के खूनी कारनामे के साथ। रविवार का दिन गाजियाबाद में बड़े हादसे के रूप में सामने आया, जहां मुरादनगर के शमशान घाट में छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई। इस छत का निर्माण अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और 23 लोगों के लिए काल बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मौत का जिम्मेदार कौन है। गाजियाबाद में खूनी लेंटर बना कार, शमशान घाट में कई लोगों की मौत। हेलो, ये चीख पुकार, ये भगदड़ गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट की है, जहां एक खूनी लेंटर कई लोगों के लिए काल बन गया है। यह हादसा इतनी तेजी के साथ हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के मुरादनगर में, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये एक शमशान घाट है, जहां पर एक शख्स का अंतिम संस्कार करने कुछ लोग पहुंचे थे, तभी तेज बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए एक लेंटर के नीचे आ गए। जैसे ये लेंटर है, हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि जैसे ये लेंटर है, ऐसे ही एक लेंटर उधर बना हुआ था दूसरी तरफ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। अभी 2 माह पहले ही उसका उद्घाटन हुआ था और आज वो लेंटर अचानक भर भरा कर गिर गया, जिसमें कई लोग दब गए और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आपको क्या सूचना मिली कि यहाँ अचानक ये लेंटर गिर गया, कितने लोग उस समय दबे हुए थे, कुछ ऐसा अगर मंजर आपने देखा हो, तस्वीर आपने देखी हो। हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इधर से हल्ला मचता हुआ गया कि भाई लेंटर गिर गया, लेंटर गिर गया। हम भी दौड़ के तुरंत जो है मौके पर पहुँचे और जैसे देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ दबे हुए थे, हमने अपने प्रयासों से उन्हें निकालने का प्रयास करा, फिर मुरादनगर से कुछ जेसीबी मशीन वगैरह लगा के जो है इसे निकालने का प्रयास करा। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है, बहुत चिंता का विषय है कि हम जब लेंटर को तोड़ रहे थे तो लेंटर बहुत ही आसानी से टूट रहा था, जिस तरह लकड़ी टूट जाती है इस तरह जो है लेंटर टूट रहा था। तो मुरादनगर नगर पालिका की इतनी बड़ी कमी है कि मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है ऐसे टाइम पर कि हमारे लगभग 40-50 आदमी इसके नीचे दब गए हैं और उसमें लगभग 30 आदमी मैं समझ रहा हूँ कि मौके पर जिनकी मृत्यु हो गई, 20 आदमी जो है हॉस्पिटल में गए हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, लेंटर पहले से कमजोर था, बारिश बहाना बन गई। जबकि जिस लेंटर की वजह से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसका निर्माण सिर्फ 4 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में ये लेंटर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये कहना है कि अभी इसे बने हुए 1-2 महीना ही हुआ है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इन मौतों का जो जिम्मेदार है ये वो प्रशासन, वो JEE जो भी ये विभाग है और जो ठेकेदार है, ये जेल जाने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कहीं सीमेंट लगा हुआ ही नहीं है। ये तो 40 से ज्यादा आदमी इसके नीचे खड़े थे, 500 आदमी, 20 आदमी 18-20 मर चुके हैं और भी पता नहीं, उनमें भगवान ना करे उनमें से कोई और भी मरे। आपको बता दें कि जिन लोगों की मौत हुई वो अपने पड़ोसी दयाराम की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए थे, जिनकी मौत शनिवार की रात बीमारी के चलते हो गई थी। जहां पर कुछ लोग पहुंचे थे एक अंतिम संस्कार करने। उनके अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल ही रही थी,
पुजारी के आह्वान पर सभी लोग शमशान घाट परिसर में बने भवन के अंदर खड़े होकर आत्म शांति पाठ कर रहे थे, तभी परिसर की छत भरभरा कर गिर गई और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। जैसे ही इस हादसे की जानकारी एनडीआरएफ की टीम को मिली, वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है यहाँ पर, और पिछले 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी हम लोगों ने बुला ली है, पूरा जिला प्रशासन, हमारा पूरी मेडिकल टीम, हमारी पूरी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम सब यहाँ लगे हुए हैं। और इस समय हम लोगों का प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि हम यहाँ पर जो लोग मलबे में दबे हुए हों उनको निकालना, उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाना। अभी तक कितने लोग निकाले जा चुके हैं, इसकी कोई जानकारी? करीब 20 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से निकाल करके वहाँ हॉस्पिटल भेजा है और वहाँ उनका उपचार वगैरह चल रहा है। और लोग हो सकते हैं? ये पूरी टीम लगी हुई है, इसलिए अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पूरी तलाश करेंगे। पता चल पाया वो सभी कितने लोग हो सकते हैं? कोई ऐसी संख्या का कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, एक एक व्यक्ति को हम लोग खोजेंगे। लोगों को निकालकर गाजियाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश सरकार शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है, मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है, जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं, और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर 4 महीने पहले बनी छत कैसे गिर सकती है? अगर नगर पालिका मुरादनगर के ये सुपरविजन में पूरा काम हो रहा था, हालांकि अधिकारी अब इस समय जांच की बात कह रहे हैं और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक छज्जा बनाया गया, जिस छज्जे के नीचे आज 40 लोग यहाँ पर अंदर हॉस्पिटल में भर्ती है, ये बताए जा रहे हैं। हालांकि 38 का आंकड़ा हमें जिस तरीके से बताया, जिसमें 18 लोग लगातार है। और अगर फिर हम एक बार डाल के दिखाते हैं आपको, ये सिर्फ ये रेत है, ये रेत है। हम जब गली में आ रहे थे तो हमने वो सड़क भी दिखाई जो कि शमशान घाट की तरफ आती है, वो सड़क भी आज दबने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लेंटर में भ्रष्टाचार का दीमक लगाने वाले गुनहगारों को सजा मिलेगी? क्योंकि आज कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है, कई घरों के दीपक हमेशा के लिए बुझ गए हैं, कोई अपने घर में अकेला कमाने वाला था, कोई भविष्य की आस था, लेकिन भ्रष्टाचार के लेंटर ने एक झटके में सबकी जान ले ली। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ एबीपी गंगा। तो इस मौत के लेंटर ने अभी तक 23 लोगों को मौत के आगोश में भेज दिया है और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। शक्ति मौके से हमारे साथ मौजूद हैं और बलराम पांडे अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं।
शक्ति का मैं रुक करूं, उससे पहले बलराम आपके पास आऊंगी और आपसे मैं अपडेट जानना चाहूंगी। 23 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, अभी कितने लोग हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है और कैसी उनकी हालत है? प्राची, अगर हम बात करें तो इस हादसे में कुल 38 लोग घायल हुए थे, जिसमें से जब रेस्क्यू किया गया तो 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाकी लोगों को ला करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 5 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। यही वजह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 18 से बढ़कर अब 23 पहुंच गया है। अभी भी 15 लोगों का उपचार चल रहा है, जिसमें से लगभग 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और उनको ICU में रखा गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी कई लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आगे क्या आंकड़ा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो जिला प्रशासन है उसकी लगातार यही कवायद है कि बेहतर उपचार दिया जाए, ताकि जो ये मौत का आंकड़ा है 23 पर ही रुका रहे। लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो उपचार कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 4 से 5 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है जिनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया है और उसके बाद उन्हें वार्ड में एडमिट किया गया है, यानी वो खतरे से बाहर हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्राची 4 से 5 लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है जिनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन ये जो हादसा है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि एक शख्स के अंतिम संस्कार में गए लोग आज भ्रष्टाचार की इस छत के नीचे आकर के 23 लोग मौत की आगोश में सो गए। देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है ही कि इस भ्रष्टाचार की आगोश में आज समाकर 23 लोग मौत की नींद सो गए हैं और अभी 5 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने जानकारी दी, शक्ति का हम रुख करेंगे। शक्ति, आज इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बाकी लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जो आरोपी है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई अभी नजर आ रही है, कोई कदम उठाया है अब प्रशासन ने? देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो गाजियाबाद के SSP से अभी हमारी बात हुई, फोन द्वारा हमारी बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि जो इसमें ठेकेदार है अजय त्यागी, उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने कहा अभी अगर हम बात करें तो अजय त्यागी को, लेकिन अगर हम बात करें तो अजय त्यागी को पकड़ने की कवायद इस समय जारी है, लगातार उसके घर पर दबिश दी जा रही है। जो इसमें ठेकेदार था, वह ठेकेदार जितने भी ठेकेदार हैं उन सबका अध्यक्ष भी है और बिल्डर एसोसिएशन का भी अपने आपको अध्यक्ष बताता है। सभी निगमों में जितनी भी निगम है गाजियाबाद की या पालिका है, उन सब में ही ठेकेदारी करता है और अपना रसूख भी रखता है। बिल्कुल शक्ति, देखिए अब देखने वाली बात ये है कि इस भ्रष्टाचार का जो आरोपी है वो कब गिरफ्त में आता है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।